बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट में 6 प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें गन्ने का समर्थन मूल्य 327 और 317 किया गया है। वहीं केदारपुरी में मास्टर प्लान मकान एक्वायर करने पर संशोधन किया गया है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुदान राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 की गई है। वहीं महाविद्यालयों में खाली पड़े प्रवक्ता के पदों को भी भरने की मंजूरी दी गई है। साथ ही 1 साल के लिए अनुबंध के तहत ये पद भरे जाएंगे। तो प्रिंसिपल को पद भरने का अधिकार दिया गया है। वहीं केदारपुरी में आपदा प्रभावितों के लिए सरकार भवन बनाएगी। तो पहले CCR से भवन निर्माण को सरकार ने मंजूरी दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आज हुई कैबिनेट की बैठक ये हुई और जुरान कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुए हैं, 6 प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिल गई है। तो 6 प्रस्ताव जिनको मंजूरी दी गई है, गन्ने का समर्थन मूल्य जो 327 और 317 कर दिया गया है। तो केदारपुरी में आपदा प्रभावितों के लिए सरकार भवन बनवाएगी। वहीं केदारपुरी में मास्टर प्लान मकान एक्वायर करने पर भी संशोधन किया गया है। इसी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के अनुदान राशि को 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। और साथ ही महाविद्यालयों में जो प्रवक्ता के पद खाली पड़े हैं उनको भरने की मंजूरी भी दी गई। पहले मूल्य निर्धारित हो गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को जितन से हो गया था, उसकी केवल सूचना है मात्र है वो 327 और 317 पिछले साल वाला ही है। हाँ जी, उसका आज जो है बढ़ाया नहीं, मतलब नहीं नहीं, वो तो पहले घोषित हो गया था, आज तो केवल मंत्री परिषद में आया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार यहां पर जुड़ गए हैं। पंकज, 6 प्रस्ताव जिनको आखिरकार मंजूरी मिल गई है। देखिए, आज की जो ई कैबिनेट की बैठक थी उसमें 7 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, 1 प्रस्ताव को निरस्त किया गया और लगभग 6 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया और उनपे फैसले लिए गए। जिसमें एक तो विधान सभा का जो 17 स्थान है उसको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा डेयरी विकास की गंगा गाय डेयरी योजना में सहकारी समिति के सदस्यों को अनुदान का लाभ देने की भी का फैसला लिया गया। इसमें महिला सदस्यों को प्राथमिकता देने का लेकर भी फैसला किया गया है। महाविद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उसमें जब तक पूर्ण नियुक्ति नहीं हो जाती है आयोग के द्वारा, तब तक 1 साल के लिए उसमें प्राचार्य को अधिकार दिया गया है कि वो अध्यापक की नियुक्ति 1 साल के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो केदारपुरी में CSR के तहत निर्माण कार्य होने थे, जिसमें जो पंडा पुरोहित और जो स्थानीय लोग वहां पर रहते थे उनके मकान बनाने को लेकर अब सरकार ने ये भी फैसला किया है कि CSR के अलावा अगर सरकार भी चाहेगी तो वहां पर उनके लिए मकान बना के दे देगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो अनुदान राशि है, हालांकि 2 लाख रुपए खर्च होते हैं एक यात्रा के दौरान, तो लगभग पहले 25,000 दिए जाते थे सरकार के द्वारा, 50,000 अनुदान राशि सरकार के द्वारा देने का फैसला किया गया। इसके अलावा जो पिछले दिनों गन्ना मूल्य बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा, 327 रुपए गया थी और 317 रुपए पीछे थी, तो ये दोनों गन्ना मूल्य जो है उसको भी मंजूरी जो दी गई थी उसको आज अनुमोदित किया गया है विधानसभा के पटल के अंदर। और मुख्यमंत्री ने इस फैसले की जानकारी अपने तमाम कैबिनेट के सदस्यों को दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।